लेकिन हमारे कमरे के अंदर एक्विंग बहुत ज्यादा है, एक चल एक्व कर, मैं भी कर दो, तू भी करियो। तो हल्की सी एक्व है तो हमने तो ऑब्वियसली गाइस एको को हटाने के लिए हमने कुछ देसी टोटके इस्तेमाल किए, जैसे कमरे के अंदर डब्बे रखना शुरू कर दिए, तो ये गेरा 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 कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद गाइस हमने यहाँ कपड़े लटकाना शुरू कर दिए और कारपेट डाल दिया और कुर्सी चेंज कर दी और ये फिर भी कुछ नहीं हुआ। और ज्यादा नॉइज हटाने के लिए गाइस हमने देख लो यहाँ कुर्सी के साथ कारपेट टांग दिया और यहाँ पर भी पीछे कारपेट रख दिया, वहां पर गत्ते रख दिए, वहां पर भी गत्ते गुत्ते रख दिए ताकि आवाज गूंजे ना, यहाँ पर फ्रीजर रख दिया और यहाँ पर फिल करने के लिए कुछ चीजें लगा दी और यह इससे भी कुछ नहीं हुआ। और फिर एक दिन मेरे हाथ में लगा मम्मी का क्रेडिट कार्ड, तो मैंने देखा कि अल्गाटो वाले, बाय द वे ये अल्गाटो वाले स्पॉन्सर नहीं कर रहे, ठीक है, खुद की जेब में से पैसे दे रहे हैं, तो अल्गाटो वालों ने ये फॉर्म निकाले, तो मैंने सोचा कि एक पैक ले लेते हैं। मैंने एक पैक की जगह चार पैक ले लिए, दो ये पड़े, दो गाड़ी में पड़े, और ऐसे चार पैक मैंने ले लिए, दो इनफ हो गए, तो बाकी के दो मुझे रिफंड करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको खोलते हैं, इसके अंदर है क्या, इसको रखते हैं यहाँ पर। बहुत खतरनाक है साउंड को रिड्यूस करने में, अब ये तो बाद में पता लगेगा ना। इसको हमने आराम से यहाँ रख देना है और पहले वो वाला डब्बा खोल लेते हैं फिर दूसरा खोलेंगे, पागल लगी। ये रहे हमारे वेव पैनल, ये क्या छोटे वाले हैं क्या, ये पूरा बैग भर के दिया इन लोगों ने यार। और अभी इसके अंदर आएंगे वेव, कितने मतलब कि ये वो ये सेम कितनी दुनिया देख रखी है। अभी आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मैनुअल। तो मैनुअल में ये लिखा, आप लोगों को देखते हैं, तो मैनुअल में कुछ लिखा, कुछ सिर्फ फोटो बनी हुई है। इसको यहाँ से निकालो और लागे मेरे लिए फिर भी वो ये रहा पैनल, रोटियां बाकी जो गाड़ियां पड़े हैं वो आइटम थिंक मेरे को चाहिए होंगे। अभी लगाने के दो तरीके हैं, या मैं पीछे लगा सकता हूँ या मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। ओके, जब मैं बोलूंगा तो आवाज सामने जाएगी, तो जब सामने से ये आवाज बाउंस नहीं होगी तो पीछे लगाने का फायदा ही कोई नहीं है। लॉजिक। और अभी पीछे हटा के करो। और मैंने लॉबी के लिए गाइस सुपरमैन की चादर मंगा के रखी है, देखना भी नहीं दिखाओ भाई क्या मंगा के रखा है। सुपरमैन की चादर, ये क्या है, ब्रांडेड चादर है सुपरमैन की। चादर की पैकिंग कितनी खतरनाक कैसी होगी यार, ये देखो चादर है, कितने लिफाफों की चादर भेज रहे, क्या भेज रहे हैं मेरे को। ये रही चादर, ये क्या है, ये चादर है। जब मैंने बोला की चादर है कोई विश्वास कर ही नहीं रहा। आ रहे हैं भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, दिखाओ टेनिस बॉल के साथ फुटते हैं वो, क्या कर रहे हो भाई, लग गई मुझे। अभी आ चुके गाइस अपने साथ वाले घर में, अपने पुराने ओजी घर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारी पड़ी हुई है हमारी पुरानी वाली, ओके नॉट पुरानी वाली, हमारी मुस्टैंग और हमारी फरारी हमारे पीछे गैरेज में खड़ी है। ये रही गाइस हमारी फरारी, लोग अपनी साइकिल ऑलरेडी लेके जा चुका है। आन दे भाई ऐसे चलाते हैं क्या, एक्शन मार के लेकर एक्शन भाई। लोग ने इतना गन डाला, ये देखो इतना पेंट, इतना खर्चा करवा दिया उन लोगों का। चलो अभी मैं आपको चैलेंज देता हूँ, तो बिना पैर कुछ रखे मेरे को ये साइकिल अंदर ले, हाँ जाओ। और पता नहीं कैसे करेंगे चवाती भाई, कैसे करेंगे, और जा रहे हैं जा रहे हैं, और तेरी अंदर घुस गए भाई, ये तो सच में अंदर घुस गए चपाती भाई। यहाँ पर असैसिन स्क्रीड वाला एक्शन भी मार रहे हैं, तेरी गिरा दिया, गंदा कर दो सारा। आई थिंक ये चादर सक्सेसफुली दो बाइक्स को एक्चुअली कवर कर सकती है भाई। चपाती भाई को तो लगा सिर्फ एक ही के लिए काफी होगा ये, मस्त भाई बहुत बढ़िया काम किया। तो ये है हमारा चक्रव्यूह, उसके वैसे गले में डाल लेंगे, तो इसके मेरे को पूरे दीवार के ऊपर चिपकाने हैं। खतरनाक हथियार जिनको पहले बाहर निकालो, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब, कभी खोलो इसको निकालो बाहर। पहले वाला लग चुका है एकदम बढ़िया, अभी पांच और लगाने हैं यार। गाइस रूम नंबर वन रेडी हो चुका है, हाँ थोड़ा बहुत लफड़ा वहां पर हो गया था तो मैंने वहां पर एक बड़े वाला लगा दिया, तो किसी को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अभी मेरे को करना है रूम नंबर टू, तो ये पिंजरे गाइस दीवार के ऊपर लग चुके हैं और अभी मेरे को सिर्फ इस पिंजरों के अंदर डल जाए अंदर, तो अभी पिंजरों के अंदर ये झोल डालना है ऐसे ऐसे, ये देखो
हरा सिंपल। क्या बात है, एकदम मस्त लग रहा है मेरे को। तो एक लाइक इसके लिए और एक लाइक इसके लिए, एकदम बढ़िया। और अभी ये अभी कभी गंद साफ करना, भैंस कितना गंद डल चुका है यार। ये घर वाले भी सारा काम मेरे से ही करवाएंगे। ये चपाती भाई गाइस पता नहीं कितनी शॉपिंग करते रहते हैं भाई, मुझे भी साथ में लेकर आ गए। ये देख मैंने क्या लिया। हाँ, व्हाइट बोर्ड इसके ऊपर हाइस्ट प्लान करेंगे। ऑल्सो जब हम यहाँ पर आए तो ये देखो हमने क्रीपर वाला बैग ढूंढ लिया, उसके साथ बोतल। हाँ पीछे रहो। अरे भाई साहब हमें ये देखो क्या मिल गया, Enchanted 100,000 लाइक्स हम लेंगे। ये ढूंढो GTA 6 कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई। GTA 6 अभी निकलने वाले हैं, बकवास आपको GTA 6। हाँ दिखाओ कहाँ पर है भाई। ये GTA 6 नहीं है भाई, ये रेड डेड है। और अभी चपाती भाई यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड अनबॉक्स करेंगे। अंग्रेजी सिखाऊंगा, हिंदी सिखाऊंगा। तो सबसे पहली चीज हम इसके ऊपर लिखेंगे सब्सक्राइब। और इसके बाद गाइस मैं ये भी लेके आया हूँ, तो ये मेरे को पता ही है कि ये अच्छी चीज है कि बेकार चीज है, आई डोंट नो। तो जब हम इसके अंदर फ्लावर वगैरह प्लांट वगैरह लगाएंगे तो ये हम साइड में ऐसे लगा सकते हैं पैसे। तो ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, हम बाहर लगाएंगे। इधर यहाँ पर लग सकता है, ये देखो अपडेट जो है मैं आपके लिए 14 दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 14 दिन हो चुके हैं लास्ट टाइम जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी व्लॉग के लिए 14 दिन पहले। अभी कितना अप टू डेट हूँ मैं यार। और अभी गाइस अपडेट ये है कि यहाँ पर जो है कंप्यूटर के नीचे यहाँ पर कुछ फ्यूज उड़ गए थे, और वो अभी तीन दिन इन लोगों ने काम किया और 3 दिन बाद ये फ्यूज आखिरकार रिपेयर हो चुका है। और आपको पता है कि जैसे ये वाला फ्यूज रिपेयर हुआ, वो शावर आपको दिखाता हूं। तो ये देखो ये शावर का जो फ्यूज है जहां से गर्म पानी आता है, अब वो उड़ गया। अब वो पता नहीं कैसे रिपेयर कर रहे, लगे हुए बेचारे यार। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट ये है कि यहाँ पर ये देखो पूरी छत चेंज कर रहे हैं यार, कितना काम रहता है यहाँ पर। और आपको पता है कि हमारे नए वाले पड़ोसी भी आ चुके हैं और उनके पास कबूतरे हैं। ये देख रहे हैं उनके कबूतरे भाई, मोटी मोटी अंदर कबूतरे बैठी हुई हैं। और अब कबूतरों का भी फंडा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, रहती वहाँ पर है, गोबर करने हमारे घर में आएंगी। देखा गाइस मैंने आपको बोला था, रहती यहाँ पर है, हगने के लिए यहाँ पर आएंगी। अब इनको बताता हूँ, चल भाई उठ निकल यहाँ से, इधर जाओ। ये मेरा चाचा घर है, देखो मैं कराया का, वो चार ऊपर बैठ के मेरे को स्नाइपिंग कर रही है ऊपर से, सारी जो स्क्वाड बैठी है उनकी वहां पर ऊपर। अभी कुछ दिन पहले लॉगी के लिए मैंने एक कवर मंगा कर रखा था और आपने गाइस नोटिस किया होगा कि मेरी टी शर्ट जो है फिर से चेंज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि 5 दिन ये अपडेट, अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 5 दिन बाद की रिकॉर्डिंग है। तो गाइस ये रहा वो कवर, बाय द वे दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन। कोई कवर वाली कंपनी देख रही है तो भेजो मेरे को स्पॉन्सर, तंग आ चुका हूँ मैं कवर लेने की। खोलेगी यहाँ से, ओ फैंसी वाला कवर भाई, इतना बड़ा डब्बा तो फोन का नहीं होता। यहाँ से उठाओ और सबसे पहले पढ़ते हैं मैनुअल। तो मैनुअल में लिखा है कि ये कवर आप फोन के ऊपर या फोन के ऊपर डाल दो, हो गया। वैसे अगर देखा जाए सिस्टम बहुत मस्त है यार इसका। तो ये है एक्चुअल कवर, तो ये जाएगा फोन के पीछे और ये आई थिंक ऐसे नहीं, ये एक्चुअली स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के लिए। भाई ओपी डिजाइन है यार ये वाला। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ लॉगी के केस की हालात। ये देखो लिटरली फट रहा है, ये देखो रबड़ जो है लिटरली। अबे हालात नहीं है, हालत है भाई। तो ये है रबड़ और ये था प्लास्टिक, पूरा प्लास्टिक एक्सपोज हो चुका है। तो यार ये लॉगी का केस, अब लॉगी ये देखते हैं नया केस। ओ अरे नाइस, खतरनाक लग रहा है। तो चलिएगा जब लॉगी का पुराने वाला केस हम यहाँ से उतारेंगे। और ओ तेरी हाँ, ये तेरी हाँ, ये मेरा यूट्यूब मनी है। लॉगी ने यूट्यूब का पैसा यहाँ पे छुपा कर रखा है। सबसे पहले खोलते हैं यहाँ पे क्लीनिंग की, इसको यहाँ पे फेंको। सफाई 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 सफाई, इतनी सफाई तो मैंने कभी अपने फ्लोर की इतनी सफाई नहीं की जितनी फोन की कर रहा हूँ मैं, और वो भी मेरी नहीं है। अब ये क्या है, तो ये है गीला कपड़ा। ओके नाइस, गीला कपड़ा साथ में भेजा हुआ है, इनको लगता है कि हमारे घर में नल नहीं है। सफाई करो सफाई करो सफाई करो सफाई अबे करो। क्या कर रहे हो भाई, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है फोन के ऊपर ऑलरेडी, स्क्रीन प्रोटेक्टर की सफाई कर रहे हैं चपाती भाई। और अभी मेरे को देखना है कि ये कवर इसके ऊपर फिट आएगा कि नहीं आएगा। अरे ऑब्वियसली फिट आएगा, और नाइस एकदम बढ़िया टॉप फोन। और एकदम बढ़िया लग रहा है यार, सुपर परफेक्ट फिट आ चुके यहाँ की। फोन का बना है इसलिए परफेक्ट फिट है। तो चलिए गाइस फाइनली ये व्लॉग खत्म हो चुका। बिलीव नहीं करोगे ये पहली क्लिप इतनी पुरानी है,
फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, फिर शुरू कर दी, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दी, फिर शुरू कर दी, और आप फिर से बंद करके फिर से शुरू कर रहा हूँ आज, तो इतना पुराना हो चुका है। बट एनीवेज मेरे को पता है कि आप लोग पूरा एंजॉय करोगे, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, नीचे बटन देकर रखा हुआ यूट्यूब वालों ने, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।